हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो चुकी हैं और आंसर की भी अपलोडेड हो चुकी हैं और आपत्तियां भी बहुत सारी लग चुकी हैं। तो आपत्ति लगने के बाद मैं कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ, किस प्रकार से आपके जनरल, SC, ST, AWS, OBC और अदर स्टेट प्लस विथ फिजिकल हैंडीकैप्ड की कट ऑफ किस प्रकार जाएगी, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो देख शुरू करने से पहले आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रभाव से आपको पास पहुंच जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से कट ऑफ जाएगी आपकी मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 एग्ज़ाम की। संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा, ठीक है, ये इसको या तो ये भी बोल सकते हो और अदर स्टेट वाले इसको MPTET बोलते हैं, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस नाम से जानते हैं, वर्ग 3 एग्जाम। अब हम कट ऑफ जानते हैं कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ जा सकता है। जनरल, OBC, SC, शेड्यूल ट्राइब और अदर स्टेट्स एंड विथ फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनकी कट ऑफ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। कट ऑफ जो आपके रो मार्क्स आए हैं, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं कट ऑफ। जो नॉर्मलाइजेशन से पहले रो मार्क्स आपके आए थे, जो स्क्रीन में आपके सामने पेश हुए थे नंबर, उसके कट ऑफ किस प्रकार जाएगा उसके बारे में वीडियो है आपके लिए। और देख लेते हैं किस प्रकार से आपका कट ऑफ रहेगा, बना लेते हैं इसका टेबल, बना लेते हैं पहले हम टेबल आराम से बना लेते हैं। ठीक है, आप लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब कर जरूर करना। ये मैंने ले लिया है कैटेगरी ठीक, और इधर मेल, और इस साइड में मैंने ले लिया फीमेल। ठीक, कैटेगरी ले ली मैंने पहले आपके जनरल, फिर कैटेगरी लूंगा मैं। तो जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है आपके सामने, जनरल की जाएगी 110 प्लस, जो मेल में है कितना जाएगी आपके 110 प्लस, मेल में जाएगी आपके 110 प्लस जा सकती है। देखो मेल में या तो 4-5 नंबर या 5-7 नंबर बढ़ सकते हैं जनरल वाली कट ऑफ में, या 5-7 नंबर घट सकते हैं, ये रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। जो आपत्तियां लगी हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है जटिल प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। जिसके अधिक नंबर आते हैं उनका भी नहीं हो पाता है, जिनके कम नंबर आते हैं उनका हो पाता है। जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो अभी 24 मार्च को रिजल्ट आया है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐसी खतरनाक प्रक्रिया थी कि जहां अच्छे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और कम नंबर वालों का हो गया है। यहां पर मैंने देखा इस नॉर्मलाइजेशन में AWS वालों का बहुत बड़ा लाभ हुआ है, जो AWS वाले कैंडिडेट थे मेल या फीमेल, उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो देख लेते हैं 110 मेल पर जाएगी, और फीमेल की बात करें
तो फीमेल की 105 प्लस जाएगी, 105 प्लस जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर चार पांच नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी एग्ज़ाम शिफ्ट थी उसके अनुसार, और टफ थी या मीडियम लेवल से थी या बहुत सरल थी, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये आपका हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस या माइनस, 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है, 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम, ये तो आपका हो गया जनरल। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की, स्वर्ण आरक्षण की बात करते हैं, स्वर्ण आरक्षण की बात करते हैं। तो स्वर्ण आरक्षण में कैसे जाएगा, स्वर्ण आरक्षक में कितना जाएगा, 105 प्लस जा सकता है, 105 प्लस जा सकता है, 105 पर आपके जा सकती हैं, और इससे कम नंबर भी हो सकता है, 100 पर भी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक रो के अकॉर्डिंग रो मार्क्स हैं ये आपके, 105 प्लस या समथिंग 100 भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ फ़ायदा मिलेगा आपको, ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो आया है रिजल्ट, उसमें ईडब्ल्यूएस वालों का कैंडिडेट का लड़कियों का बहुत कम नंबर भी हो गया है, और लड़कों का भी 66 नंबर भी हो गया है, और जो लड़कियाँ थी जनरल और ओबीसी की 76, 77, 71, 72, 73 नंबर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं। गर्ल्स और भूतपूर्व सैनिक के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है इस मध्य प्रदेश पुलिस की जो एग्ज़ाम थी उसमें, भूतपूर्व सैनिकों का एक भी 600 की समथिंग पोस्ट थी उनमें भी एक भी पोस्ट नहीं दी गई है, और महिलाओं का 33% आरक्षण होना चाहिए, ठीक है, ये गजट में है, पर 33% के अनुसार कितने 5 गुना लड़के को लेना चाहिए था उनको फिजिकल के लिए, 600 पोस्ट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल में जाएगी 97 प्लस आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी चांसेस है, 5 नंबर से 10 नंबर के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपकी एग्ज़ाम किस डेट को थी और कौन से शिफ्ट पे थी और पेपर कैसा था उसके अनुसार। अब हम बात करते थे अदर बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं हम। अन्य पिछड़ा वर्ग में किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई है, OBC, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, या बोल सकते हो आप अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदी में। अब OBC कट ऑफ बहुत रगड़ा लड़ाई दो चीज़ों में, OBC और SC में, इसके कैंडिडेट मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और यहीं पर क्योंकि OBC का 27% आरक्षण लागू हो भी चुका है, तो देखते हैं किस प्रकार से इसका जाएगा कट ऑफ, इसका भी जाएगा। मैंने इसका भी OBC का EWS के बराबर लिया है, पर EWS का मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर मैं EWS को 105 प्लस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने EWS का सर्टिफिकेट बना चुके हैं, मतलब 5 कैंडिडेट में EWS का 4 कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट है, भले उन्होंने कुछ भी जुगाड़ किया हो पर है उनके पास, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको किया है। अब OBC में बात करते हैं, OBC में भी 105 प्लस जाएगी, कितनी जाएगी आपकी, 105 प्लस OBC का ले लिया मैंने। देखो ये अनुसार है, जितना भी मैंने एनालाइज किया है 5 मार्च से लगाकर 26 मार्च तक मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट का जो एनालाइज किया है उसके एनालाइज के अनुसार बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास 3 लाख डाटा, जो 3 लाख डाटा आया है मेरे पास, 3 लाख स्टूडेंट का जो डाटा है, स्टूडेंट्स के अनुसार उन्होंने 3 लाख स्टूडेंट का जो स्कोर के अनुसार ये बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 लाख स्टूडेंट का जो स्कोर है, 3 लाख लड़कों ने मुझे कमेंट किया है अभी तक का, आप सब देख सकते हो 5 मार्च से लगाकर जितनी भी आपके वीडियो बनाए एनालिस के अनुसार, जितने भी आपके वीडियो बनाए 26 मार्च तक और उसके बाद भी अभी तक की, जो आज 1 अप्रैल 2022 तक के वीडियो देखना, और उसमें आपको 3 लाख के समथिंग कमेंट मिल जाएगी मेरे वीडियो पर, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी मिलेगी। तो जितने भी लाइव सेशन में मैं आया था आपने भी खुद ने कमेंट देखा होगा, उसके अनुसार बना रहा हूँ, कोई झूठी नहीं बना रहा हूँ मैं कट ऑफ। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से OBC 105 मेल में गया और फीमेल में किस प्रकार जाएगा। फीमेल की बात करते हैं तो 100 प्लस जाएगी, 100 प्लस फीमेल की जाएगी आपके लिए, ठीक है, 100 प्लस फीमेल की जाएगी।
अब इसमें भी 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम शिफ्ट के अनुसार। ठीक है, अब ये हो गया आपका ओबीसी हो गया। अब शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति फिजिकल हैंडीकैप पे, ये तीनों लोअर क्लास हैं। ठीक है, तो एससी में, शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी में बहुत बड़ी फाइट होती है, इन दोनों कैंडिडेट के ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। आपको सर्वे भी करवाया था, आपने 12 से 13 हज़ार वोटिंग किया है और किस, इसमें भी मैंने 100+ ली है, 100+ मेल में लिया है, क्योंकि मेल में क्या है कि लड़ाई बहुत है। मेल के कैंडिडेट 2011 से 10 साल के बाद वैकेंसी है ये, और बहुत सारे जो अतिशित शिक्षक हैं जिन्हें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, एक शिक्षक ऐसे मिले हैं मेरे को जिनको 11 साल का अनुभव है, तो आदि उन्होंने तो सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी तो कर ली उन्होंने, तो 100+ हैं। मेल में जाएगी कट ऑफ आपके, और 5-6 नंबर आगे बढ़ सकते हैं। और फीमेल में जाएगी, फीमेल में कम नंबर लिया है एससी में, 95+ लिया है ये आपके। ठीक, ये एससी का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं हम, इनकी कितना स्कोर पर जाएगी एमपीटेट की, जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो कट ऑफ कितने नाम पर जाएगी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, इसमें आपकी जाएगी 95+ इसकी जाएगी, ये मेल की, और फीमेल की जाएगी 90+ जाएगी आपकी। ठीक है, 90+ जाएगी, ये हो गया। आप एसटी में 95+ और फीमेल में है 90+ 90+ जाएगी। अब फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, फिजिकल फिजिकल हैंडीकैप की बात करें हम, तो फिजिकल हैंडीकैप में 88+ और फीमेल की बात करें तो 85+ जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप वाले, फिजिकल हैंडीकैप की मैंने जितना भी एनालाइज किया है कैंडिडेट भी ज़्यादा है और आपका जो स्कोर कार्ड है बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं फिजिकल हैंडीकैप मेल या फीमेल, महिला या पुरुष, और आप जो भाई बहन हैं आपके पास जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना परसेंट रहना चाहिए, बहुत सारे जो ऐसे हैं जो फिजिकल हैंडीकैप के साथ में अतिथि शिक्षक भी हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अतिथि शिक्षक को कितना नंबर का, एक साल का कितना नंबर मिलेगा उसका मैं अगला वीडियो बना दूंगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा वीडियो, तो एक बार और एनालाइज कर लेते हैं। मेरे पास 3 लाख डाटा है, 3 लाख से ऊपर चला गया होगा, अप्रोक्स 3-3.5 तक चला गया होगा अभी तक। उस 26 मार्च के बाद मैंने 27 मार्च को जो वीडियो बनाया था आपके लिए 12 बजे बाद मैंने अपलोड कर दिया था, अब नया वीडियो है उसको 20 सेंटर में मैंने वीडियो लिया था आपके लिए। अब हम 3 लाख जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा है, उनके डाटा के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, और किस प्रकार से आप इसको करो एमपीटेट वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम थी कैटेगरी मेल और फीमेल, एक बार और रिपीटेशन कर लेते हैं हम किस प्रकार से करें। कैटेगरी मेल और फीमेल जनरल की जाएगी 110+ और फीमेल की जाएगी 105+, EWS की जाएगी 105+ और फीमेल की जाएगी 97+, OBC की जाएगी 105+ और फीमेल की जाएगी 100+, SC की जाएगी 100+ और फीमेल की जाएगी 95+, ST की जाएगी 95+ और फीमेल की जाएगी 90+, फिजिकल हैंडीकैप की जाएगी 88+ और 85+ फीमेल की जाएगी। अभी ये वीडियो बना चुका हूँ मैं आपके लिए, और इसमें अदर स्टेट वालों के लिए भी जनरल में है, जो आप अदर स्टेट के थे, अदर स्टेट्स हैं, स्टेट्स जो राजस्थान बिहार और यूपी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी ये जाएगा आपका। ठीक है, जो भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं जनरल में गिना जाते हैं, भले आप अपने राज्य में कोई सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और आगे बहुत सारे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, ये आपका कट ऑफ का है, जैसे आपको वीडियो ये मिल जाए तो आप तुरंत प्रवास से देखकर शुरू से अंत तक अच्छे से देखना जो जो बोला गया है, आपके दोस्तों को भी बताना मौखिक रूप से कि इस प्रकार से कट ऑफ जाएगी,
और रो मार्क्स के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन जो होता है वह जटिल प्रक्रिया है, बहुत कठिन होता है। और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से आपके नंबर घटते हैं बढ़ते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो में होगी, अगले वाले वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले आप, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रवास आपके सामने पेश हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका अपना मित्र दिग्गज सिंह चौहान।